तो ये साइज चिक्स की निकल के आती है। फेदर मार्किंग देख लें आप, बेहतरीन है। निकालेगा वो कौन से कलर में आए। एक और फेलो की फीमेल जब वो ऐसी ब्रीड आपके पास होती है तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एग्जॉटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों आज मैं आपको अपने बजीज पैरोट के जो सेपरेट केज में मैंने जोड़े रखे हुए हैं उनकी प्रोग्रेस मैं आपको आज दिखाऊंगा। दोस्तों जो मेरे पास चार जोड़े मैंने लगाए थे वो सामने कॉर्नर वाले केज में ऊपर आपको जो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मैंने चार जोड़े लगाए थे, लेकिन वहाँ से मैंने दो पैर हटा लिए। अभी वहाँ दो पैर ही हैं, हटाए थे मैंने, उसकी वीडियो मैंने डाली थी कि क्यों हटाए थे। उसमें एक फीमेल थी, उसने अंडे दिए थे, उसके फेदर काफ़ी निकल गए थे, अंडे भी ख़राब कर दिए थे। तो सेम प्रॉब्लम दूसरी फीमेल में भी थी, तो वहाँ से मैंने दोनों पैर को हटा दिए। अभी वहाँ दो पैर हैं और उनमें बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। चार पैर मैंने यहाँ नीचे सेट किए थे जिनकी अपडेट मैं आपको नहीं दे पाया। वहाँ पर मैंने कुछ फेलोस के पैर छोड़े थे रेडाइस में, वहाँ पर भी दोस्तों मैंने चार पैर छोड़े और चारों पैर को मैंने मैटिंग करते हुए भी देखा है। तो अब मैं आज आपके साथ ही मैं वहाँ मटकियों में चेक करूँगा कि मटकियों में अंडे आए या नहीं आए। तो चार पैर वो हैं और दो पैर अपने ऊपर हैं, इस पैर के नीचे भी बच्चे आ गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए उस केज में चलते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ ये एक चिक्स बाहर आया हुआ है। दोस्तों इसकी मार्किंग मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी साइज़ भी इसको पकड़ के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन साइज़ है और दो पैर इस केज में हैं और दोनों के नीचे पांच पांच बच्चे हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे और छः छः बच्चे दोनों ने निकाले थे, लेकिन दोस्तों एक एक चिक्स दोनों ही मटकी में एक्सपायर हुआ है। अब इस चिक्स को आप देखें, इसकी साइज़ को देखिएगा, इसकी फेदर मार्किंग को देखिएगा। दोस्तों फेलो मैंने देखे हैं काफ़ी, आपने भी फेलोस बजीस हैं काफ़ी देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इस मार्किंग में मैंने देखे हैं, लेकिन इस मार्किंग में भी जो फेलोज होते हैं उनके डॉट काफ़ी डार्क होते हैं, लेकिन इन पे जो मार्किंग है मेरे पास जो पैर हैं इस म्यूटेशन में बिल्कुल लाइट मार्किंग है दोस्तों। और इसके आइज़ को देख लें आप, बिल्कुल पानी एकदम रेड। और साइज़ देखें आप, मेरे हाथ में ही आपको इसकी साइज़ दिखाई दे रही होगी, कितनी बेहतरीन साइज़ है। और दूसरा चिक्स भी मैं पकड़ता हूँ, इसी की मटकी का है, तो इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, बिल्कुल लोटिनो है ये रेड आइस, लोटिनो रेड आइस, और इसके ऊपर कोई भी फेदर मार्किंग नहीं है। इनके जो पेरेंट्स है मेल जो है वो बिल्कुल ये जो मेरे राइट हाथ लेफ्ट हाथ में है ये देखिए इसके जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन फीमेल जो है वो भी येलो ही है लेकिन उसकी आइज़ रेड नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ब्लैक भी नहीं कहूँगा मैं उसे, क्योंकि मैरून कहेंगे उसका कलर, तो उसकी आइज़ है फीमेल की। अब इसकी जो मार्किंग है वो सेम मार्किंग मेल के ऊपर है इसके फादर की, और इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं आई है और बहुत ही बेहतरीन साइज़ है। अब मैं आपको मटकी निकालता हूँ और दूसरे चिक्स भी दिखाता हूँ उस मटकी में, जो दो चिक्स और हैं, बाकी एक चिक्स तीन चिक्स बाहर आ गए हैं। तो अभी इस मटकी को निकालते हैं, हालांकि इसने फीमेल ने अंडे भी रख दिए हैं दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अंडों की कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को ये पाल रहा अच्छे से वो ठीक है। अंडे देने का प्रोसेस है दोस्तों वो नेचुरल है, जिसको हम रोक नहीं सकते इनको, ठीक है ना। हीट पे आए हैं, ब्रीड पे आए हैं, ब्रीडिंग का मूड हो गया इनका और अंडे रख दिए हैं। अब देखें इन चिक्स को भी मैं पकड़ता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ दोनों ही चिक्स को। एक चिक्स जो है बिल्कुल अपनी मदर पे गया है और तीन चिक्स बिल्कुल अपने फादर के जैसे बने हैं। दोस्तों साइज़ आप इनकी देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाला है। और जब दोस्तों ये साइज़ चिक्स की निकल के आती है तो एक भरोसा होता है अपने आप पर कि हम जो इनको दे रहे हैं, आप इसकी आइज़ को देखें, मदर बिल्कुल ऐसी है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये आइज़ देखें आप इसकी और मार्किंग भी देखें, बिल्कुल मदर ऐसी है। और ये चिक्स देखें आप, इसकी फेदर मार्किंग देख लें आप, बेहतरीन है, बिल्कुल इसका फादर ऐसा ही है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि चिक्स की जब साइज़ और हेल्थ और जब चिक्स की कंडीशन ऐसी हो,
फेदर देखें, इनकी साइनिंग देखें, तो एक भरोसा होता है अपने आप पर कि हम जो बर्ड्स को दे रहे हैं, जो डाइट दे रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट देते हैं, वो कहीं ना कहीं सही वर्किंग में है, सही काम कर रहा है। अब देखें आप, ये दूसरी मटकी भी मैंने निकाल ली है, इसमें जो फीमेल है वो अंदर आपको दिखाई दे रही है पाइड की, और मेल इसका क्रीम कलर का पाइड का मेल है। दो चिक्स बिल्कुल इसके फादर पे गए हैं, बाकी जो तीन चिक्स हैं वो लोटिनो पाइड में ही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे छोटा वाला चिक्स देखिएगा आप, बाकी इसके भी जो तीन चिक्स हैं वो बाहर आ चुके हैं। ये आप देखें कॉर्नर में, वो मेल को भी देख लें आप, उसकी का कलर भी देखें आप, क्रीम कलर का है और सेम उसी कलर का ये एक सबसे छोटा बच्चा है ये। और एक और मैं आपको दिखाता हूँ जो मटकी के अंदर ही है, बाकी जो सारे चिक्स हैं ऊपर जाली पे चिपके हुए हैं। तो इस चिक्स को भी मैं निकालता हूँ आपके और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी इसके फेदर की साइनिंग भी देखिए और साइज़ भी देखिए, बहुत ही बेहतरीन कलर के चिक्स आए हैं दोस्तों। दिल खुश हो जाता है जब ऐसी ब्रीड आपके पास होती है। दोस्तों ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़े, कि जब हम ये चिक्स देख सकते हैं, हमारे यहाँ जब चिक्स निकल रहे हैं, तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जैसा हम लोग दिखाते हैं, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप जो मैं बताता हूँ वैसा ही करते हैं, तो दोस्तों यकीनन आपके पास भी ऐसा हो गई होगा। क्योंकि एक्स्ट्रा दोस्तों कुछ भी नहीं मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। तो अब नीचे चलते हैं और ये आप पैर देखिए दोस्तों, ये सारे ही फेलो हैं जो ऊपर जो मैंने चिक्स दिखाए उनके जो पेरेंट्स हैं, उसी कलर के ये सारे ही बर्ड्स हैं मेरे। ये म्यूटेशन मेरे पास काफ़ी समय से थी, लेकिन हालांकि दोस्तों मैंने इसको ब्लैक आई से लगाकर उनसे जो चिक्स निकलते थे उनको मैंने इकट्ठे किए, और उनको भी अभी मैंने जब ब्रीडिंग एज हुई तो मैंने यहाँ पे पेयरिंग के लिए डाल दिया है। ये एक जोड़ा सामने देखें आप, क्रीमिनो की फीमेल है, क्रीम है रेड आइस की फीमेल है, और ग्रे का जो मेल आपको दिखाई दे रहा, कोई भाई ब्लैक भी बोलते हैं इसको, तो ये भी रेड आइस का स्प्लिट ही है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि जब ये ब्रीड करेंगे, मेटिंग चल रही है, इसके अंडे भी रख दिए हैं, तो ये बच्चे जो निकालेगा वो कौन से कलर में आएंगे। दोस्तों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस जोड़े से एल्बिनो बजीस देखने को मिलेंगे दोस्तों, वाइट में रेड आइस जरूर ये निकालेगा, मुझे पक्का उम्मीद है। बाकी दोस्तों देखने लायक होगा कि कौन से कलर में चिक्स आते हैं। तो चलिए मटकियाँ चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इस मटकी में देखते हैं, ये उसी की मटकी है क्रीमिनो की, इसमें दो अंडे इसने दे दिए। अब एक मटकी यहाँ पे कॉर्नर पे है, तो इसमें भी देखते हैं, इसमें तीन अंडे आ गए हैं। अभी ये अंडे देने की इनकी शुरुआत है, अभी अंडे दे रहे हैं ये सभी, तो देखेंगे कितने कितने अंडे आते हैं लास्ट में। ये एक और फेलो की फीमेल देखें दोस्तों, इसकी भी मार्किंग देखें, बिल्कुल लाइट आपको लाइनिंग मिलेगी, जबकि वाइट फेलो में आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी डार्क होती है, लेकिन इसकी देखें मार्किंग, इसने लगभग चार अंडे रख दिए हैं, तीन या चार हैं, तीन तो दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से लेकर ये नीचे अपने बैठी है। तो ये सारे ही बर्ड्स हैं दोस्तों, चार जोड़े इस केज में भी हैं, और तीन मटकियों में अंडे देखने को हमको मिल गए हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है दोस्तों। आगे चलकर मैं एक पूरी कॉलोनी बनेगी मेरी, जिसमें रेड आइस फेलो वगैरह ये सारे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसने भी फाइनली बच्चे निकाल दिए हैं, तो आज आपको इनके बच्चों को भी दिखा देता हूँ। काफ़ी भाई मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई इनकी प्रोग्रेस दिखाओ, क्या रिज़ल्ट है। तो दोस्तों देखें, यहाँ पे इसने पाँच अंडे दिए थे और चार बच्चे इसने निकाले हैं, एक अंडा ख़राब हुआ था, और आप बच्चों की साइज़ वगैरह सभी देख लें, काफ़ी अच्छे से ये पाल रहा है अभी तक। ये मेल को देखें आप, ये मेल की फर्स्ट ब्रीड है दोस्तों, क्योंकि इसकी मेटिंग मैंने देखी थी तो बहुत दिक्कत हुई थी इसको, तो फर्स्ट ब्रीड मेल की है, लेकिन फीमेल जो है थोड़ी बड़ी थी, लेकिन फाइनली टाइम लिया इन्होंने, लेकिन ब्रीड हो गई और रिज़ल्ट आप सभी के सामने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रेस आपको पसंद आई होगी, और मेरे सारे रेड आइस के बजीस भी आपको पसंद आए होंगे। अगर मेरे बर्ड्स आपको अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।